एक है कि मुझे नींद आती ही नहीं है, एक है मेरी आंखें भरी हुई हैं पर मैं सो नहीं पाता, एक है कि मुझे बहुत टास्क करने के बाद नींद आती है और जल्दी से टूट जाती है, एक आता है कि लेट सोता हूँ लेट उठता। सो वी आर अ स्लीप डिप्राइव्ड सोसाइटी। इट इज अ वेरी बिग कॉज फॉर स्ट्रोक्स, इट्स अ वेरी बिग कॉज फॉर अ कार्डियक अरेस्ट ड्यूरिंग स्लीप। एटलीस्ट मेक श्योर कि आपका बच्चा जो है 9 बजे तक, 9:30, 10 बजे तक सो जाए। जब हम छोटे थे तो मुझे याद है हमारे बड़े हमें कहा करते थे कि बेटा शाम को ना पौधों को परेशान नहीं करते, पौधे सो रहे हैं। ये भी सुनने में आया कि जो सोता है वो खोता है। अब पिछले दिनों नींद पे इतना कुछ जानने के बाद, पढ़ने के बाद, मेरा ये पर्सनली मानना है कि जिसने भी ये कहा होगा वो शारीरिक नींद के बारे में तो डेफिनेटली बात नहीं कर रहे थे, वो शायद आपकी आत्मिक निद्रा के बारे में कुछ बात कर रहे होंगे, लेकिन शारीरिक नींद जितनी जरूरी है उसके बारे में वो तो नहीं कह रहे होंगे कि जो सोबत है वो खोबत है, क्योंकि मदर नेचर ने कुछ सोच कर बिल्कुल ये हमारे अंदर डाला है कि चाहे कुछ हो जाए नींद तो लेनी ही पड़ेगी। सबसे पहले मैं हमारे दर्शकों के लिए जानना चाहती हूँ कि ये जो नींद है आखिरकार हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। एक बहुत अच्छी सेइंग है, अंग्रेजी में है, दैट इज इफ स्लीप डज नॉट परफॉर्म एन एब्सोल्युटली वाइटल फंक्शन देन परहैप्स दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक द एवोल्यूशनरी प्रोसेस हैज एवर मेड, टेकिंग अवे 1/3 ऑफ आवर लाइफ्स फॉर नथिंग। ऐसा नहीं है, नेचर हमारे लिए अनकाइंड नहीं है। तो वो वाला पीरियड जो है हमारा, एक तो जो है इट इज द पीरियड जिसमें हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की थकावट दूर करते हैं, अपनी मेमोरी को कंसोलिडेट करते हैं, अपने बॉडी के टिश्यूज़ को जो है रीजेनरेट करते हैं या हील करते हैं, तो नींद और इम्यूनिटी को जो है बूस्ट मिलता है। तो नींद जो है इज़ नॉट जस्ट अ वेरी सिंपल प्रोसेस, नींद एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसकी बहुत सारी कड़ियाँ अभी भी जिग्सॉ पज़ल के अंदर गायब हैं। लेकिन ये है कि हाँ, एवरी डे देर इज अ न्यू थिंग कमिंग अप, एक नई चीज़ रोज़ सामने आ रही है। पिछले कई अरसे से, ख़ास तौर पे आप ये समझ लीजिए पिछले 45 साल से जो है इस नींद के ऊपर ज़्यादा शोध हुआ है या ज़्यादा रिसर्च हुई है। अजीब सी बात यह है कि 50,000 साल इंसान के व्यक्तित्व को, एक इंसान की एग्जिस्टेंस को हो चुका है, लेकिन पिछले 50 वर्ष में ही इस पीरियड के बारे में सोचना शुरू किया गया। तो इसकी एग्जिस्टेंस और इसकी ज़रूरत हम सबको उतनी ही है जितनी किसी को भी होती है। हाँ, इंडिविजुअल चेंजेस हो सकती हैं कि कुछ लोग 6 घंटे में बढ़िया फील करते हैं, कुछ लोग अप टू 8 आवर्स चाहिए उनको, और जो यौगिक लोग होते हैं जो ख़ास तौर पे प्राणायाम और मेडिटेशन करते हैं उनकी नींद की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो वो 4 घंटे में भी कर सकते हैं, पर वो एक आम इंसान के लिए प्रिस्क्राइबेबल नहीं है। तो नॉर्मली 6 से 8 घंटे की नींद इज समथिंग जो हर व्यक्ति को देखनी चाहिए कि इतनी आनी चाहिए। उसमें भी नींद की क्वालिटी जो होती है वो डिपेंड करती है 3 चीज़ों पे। नंबर 1, नींद की लॉन्जेबिटी, दैट इज 6 to 8 आवर्स। दूसरा, नींद की रेगुलरिटी, ये नहीं है कि किसी दिन आप 12 बजे सो रहे हैं, किसी दिन रात को 2 बजे सो रहे हैं, जैसे आज का लाइफस्टाइल है जिसके अंदर लेट नाइट पार्टीज़ भी हैं, आप जो है यू आर वर्किंग अगेंस्ट द टाइम आल्सो, ख़ास तौर पे जैसे कॉल सेंटर्स के लोग हैं, एज अ वर्ल्ड कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर्स, तो हमारी यंग पॉपुलेशन इज एक्सपोज टू पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप बिकॉज वो रात को जाग रहे हैं अमेरिकन टाइम को फीड करने के लिए। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है स्लीप डिस्ट्रीब्यूशन। स्लीप डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि हमारी स्लीप के अंदर लाइट स्लीप, डीप स्लीप और यू कैन से सपने वाली नींद, इन सब का एक पैटर्न है और इस पैटर्न के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन अलाउ की गई है। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये थे, आप सोच के चले थे कि फलां चीज़ में इतने गिनूंगा, बजटिंग करते हैं, तो उसी तरह स्लीप की भी एक बजटिंग होती है कि सपने वाली नींद जो है वो 15% या 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों की वो बहुत बढ़ जाती है, अगर वो बढ़ जाती है तो वो स्लो वेव स्लीप, यानी जो आपको
हील कर रही है वो स्लीप के एक्सपेंस पे बढ़ेगी। अगर आपके पास 100 रुपये थे, आप सोचे था कि ये चीज़ 20 रुपये में मिलेगी, लेकिन वही चीज़ आपको 40 रुपये में मिली, तो आपके पास थे तो 100 रुपये। तो देन यू स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डीप स्लीप और रिकवरिंग स्लीप। तो ये सारी चीज़ें जो है देखना हमारे लिए ज़रूरी होता है कि क्वालिटी ऑफ स्लीप, ड्यूरेशन ऑफ स्लीप एंड रेगुलरिटी ऑफ स्लीप, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बड़े फैक्टर हैं। और जब तक ये तीनों इकट्ठे नहीं होते, तब तक ये नहीं है कि नंबर ऑफ आवर्स तो मैं ठीक सोता हूँ, लेकिन जब क्वालिटी ही खराब होगी, उसमें सपने आए जा रहे हैं, यू विल नेवर बी रिकवर्ड, यू विल ऑलवेज फील वेरी टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, क्योंकि कई बार ड्रीम्स काफ़ी एग्जॉस्टिंग होते हैं। तो इसलिए जो है ये बैलेंस जो है ये कुदरती तौर पर भी होता है और इनकलकेट भी किया जा सकता है। और कई बार कई लोगों को जेनेटिकली ये ट्रांसफ़र होता है, तो उन चीज़ों के अंदर हम लोग जो है फिर मेडिकेशन का सहारा लेते हैं कि उस स्लीप को काट के दूसरी स्लीप को एनहांस और पावरफुल करना। तो स्टेजेस ऑफ स्लीप समझा सकते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके? तो ऐसा है, इसकी क्लासिफिकेशन तो होती है कई तरीके से। जो अब रिसेंट क्लासिफिकेशन है उसे हम N1, N2, N3 के हिसाब से के वेकफुलनेस, लाइट स्लीप, डीप स्लीप, N3 जो है वो डीप स्लीप है, और REM स्लीप यानी सपने वाली स्लीप। तो इनके जो है पैटर्न्स हमारे एलोकेटेड हैं, और अगर वो बहुत ज़्यादा डिफर करेंगे या फिर हमारा टाइमिंग बहुत ज़्यादा डिफर करेगा हर बार तो हमारा मेंटल क्लॉक जो है सेटल नहीं हो पाएगा। तो जब आप सोना चाहते हैं तो धीरे धीरे उस वक्त सो नहीं पाएंगे। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आधा पौना घंटा इज़ ओके, एंड वंस इन अ व्हाइल डिलेड ऑल्सो इज़ ओके, लेकिन इट शुड नॉट बी अ हैबिट। तो जो है जो आपका स्लीप पैटर्न है उसके अंदर तकरीबन आपकी 40% के करीब, 45% के करीब जो है वो लाइट स्लीप होती है। जो डीपर फॉर्म ऑफ स्लीप है 30-40% होती है, और 20% के करीब जो है वो सपने वाली स्लीप होती है मैक्सिमम। अगर वो कम, अगर वो इससे ज्यादा होगी तो देन वो किसी और का हिस्सा खाएगी। वेकफुलनेस स्लीप जो है वो ज्यादा हो जाती है, तो ऑब्वियसली आप लेटे हैं पर आप बहुत अच्छे तरीके से सो नहीं पा रहे, इट्स अ प्रॉब्लम। लेकिन आपने कहा सपने वाली नींद ज्यादा हो जाती है, वो भी एक प्रॉब्लम है। हाँ, वो भी वो कैसे एक प्रॉब्लम है सर? वो प्रॉब्लम है बिकॉज उसके अंदर, उसे हम एक्टिव स्लीप कहते हैं। अच्छा। क्योंकि हमारा माइंड फुल्ली एक्टिवेटेड है उस वक्त, और अगर सपने हैं तो सपने की बॉडी रिएक्शन वही होगी जो जागते वक्त होती है। मान लीजिए मेरे सपने में शेर आ गया, तो मेरी हालत वही होगी जो मेरी जागते हुए शेर को देखती हुई, मेरी हार्ट रेट स्टार्ट पंपिंग कर जाएगी, मेरा ब्लड प्रेशर शूट अप कर जाएगा, पसीना आ सकता है। तो वो एक तरीके से हमारे को उस लेवल पे ले जाती है जहाँ पे हम एक्टिविटी मोड में होते हैं, इट इज़ नॉट अ क्वाइटेंट स्लीप। लेकिन क्योंकि ये कुदरती बचाव का तरीका है, तो हमारी बॉडी जो है उस वक्त जो है एटोनिया यानी हमारी मसल्स फुल्ली रिलैक्स मोड में चली जाती है, ताकि हम सपनों को एनैक्ट ना करने लगे। लेकिन कुछ लोग जैसे होते हैं उनमें ये कनेक्शन खराब हो जाता है, तो वो स्लीप वॉकिंग, स्लीप टॉकिंग, स्लीप वायलेंस, उन लोगों में वो बढ़ने लगती है, क्योंकि वो वाला कनेक्शन कट गया, मतलब वो हमारे साथ जो है परेशानी पैदा करती है। जहाँ तक ताल्लुक है कि इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, अगर आपकी बॉडी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेस्टेड नहीं है, तो आपकी हर तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं बढ़ेंगी। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपका हार्ट डिजीज बढ़ सकता है, आपका जो है ये स्ट्रोक्स के जो है कारण बन सकते हैं, आपका यू नो तकरीबन 33% रोड साइड ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स इसी वजह से होते हैं कि स्लीप डिप्रॉइड बॉडी वो कहीं पे भी हल्का इसे झपकी ले लेती है। एंड ऑल दैट यू नीड इज अ स्नूज ऑन द व्हील, एक छोटा सी झपकी लगी और इतनी देर में एक्सीडेंट हो गया। सो तकरीबन 33% जो रोड साइड या इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं वो पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जमा और नींद का कर्जा जमा हो रहा है, उस चीज़ को करने से होते हैं। कि अगर हम लगातार जो है एक हफ्ता जो है इफ़ वी आर स्लीप डिप्राइव्ड, यानी हमारी अगर एवरेज औसत स्लीप जो है 6-8 घंटे की है, मगर हम 4 घंटे सो रहे हैं, तो हमारा स्लीप डेप के अंदर जो है हम एक शराबी से ज़्यादा बुरा बिहेव करते हैं, मतलब हमारी बॉडी नॉट एज अ पर्सन। तो उसके अंदर जो है हमारी कंट्रोल्स, हमारा मसल रिलैक्सेशन, हमारा एवरीथिंग विल इंक्रीज, बॉडी कंट्रोल खराब होता जाएगा,
और क्योंकि ये खराब हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये हमारी जजमेंट को क्लाउड करेगा, ये हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को क्लाउड करेगा, रोड साइड का जो ये रोड रेज है वो जो है बढ़ेगा, बिकॉज वी आर नॉट रेस्टेड, और हमारे पास जो है एक तरह से हमारे बर्दाश्त की शक्ति जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, अपार्ट फ्रॉम एक्चुअल एलिमेंट्स लाइक कार्डियोलॉजिकल एलिमेंट्स लाइक स्ट्रोक्स, लाइक से पुअर क्वालिटी ऑफ डे लाइफ, कॉन्सेंट्रेशन स्पैन, ये सारी चीज़ें जो है हमारी डेंट होने लगती हैं। ये एक प्रोसेस है जो दिमाग को, आपने कहा कि रेस्ट देता है आपकी बॉडी को, आपके दिमाग को, तो वो हमारे ये अलग अलग फेजेस हैं स्लीप के। वैसे तो रेम स्लीप यानी सपने वाली स्लीप मेमोरी कंसोलिडेशन के काम आती है, पर एक्सेस में जब होगी तो नुकसान करेगी। डीप स्लीप जो है वो हमारे टिश्यूज को रिपेयर करती है, हमारी बॉडी को रिकवर करती है, हमारी मसल्स को जो है रिजुबिनेट करती है ताकि हम अगले दिन पूरी तरह से काम कर सकें, उसके एंड तो इसके अलावा जो है हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करती है, तो उससे जो है हमारी बॉडी फाइटिंग कैपेसिटी में भी आती है, इन्फेक्शन से भी फाइट कर सकती है, हमारी जो है ख़ास तौर पे हमारी मेमोरीज और हमारा जो है वर्क की एफिशिएंसी वो इम्प्रूव करने लगती है, मगर ये नहीं हो तो ये सारी चीज़ें डिक्रीज होती हैं। जब हम बोलते थे कि मन अच्छा नहीं हो रहा है, मूड अच्छा नहीं है, तो ज़्यादातर में थोड़ी देर सो जाओ सब ठीक हो जाएगा, तो क्या स्लीप आपके मेंटल ट्रॉमा से डील करने में आपकी हेल्प करती है? करती है, और लेकिन उससे भी पहले प्री कंडीशन मान के चलिए कि हमें दिन में तभी नींद आएगी अगर हमारी रात की नींद का प्रोसेस ठीक नहीं है, अगर हम परसिस्टेंटली स्लीप डिप्राइव्ड हैं या हमारी ब्रोकन एंड फ्रेगमेंटेड स्लीप है तो हमारी बॉडी रेस्टेड नहीं है, इसीलिए हमारी वो एक फीलिंग होती है यार थोड़ी सी झपकी ले लूँ, तो दैट विल ओनली अकर क्योंकि कुदरत ने बहुत निज़ाम को या हमारी चीज़ों को बहुत क्लियरली डिमार्केट किया है कि दिन काम करने के लिए रात सोने के लिए, मगर अगर वो सोने वाला पीरियड आपका जो है हेल्दी नहीं है या तरीका उसका हेल्दी नहीं है तो आपका जो है स्लीप का बैकलॉग रोज बढ़ता जा रहा है एंड दैट इज़ कॉजिंग स्लीप डिप्रिवेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वो हर चीज़ को डेंट करेगा। हमारी सोसाइटी में इस बात को बहुत ही ना बढ़ा चढ़ा के बड़ा शेखी वाला माना जाता है कि अरे वो तो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लोग कहते हैं कि अरे वो तो सिर्फ 4 घंटे सोते हैं, वो जो एज है उनकी, और जैसे कि आपने कहा कि यौगिक लोगों की नींद की आवश्यकता कम हो जाती है, हम सारे फैक्टर्स को ध्यान देने की बजाय हम एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज निकाल लेते हैं और सब पे कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली, देखिए ऐसा है कि जब हम ये कहते हैं कि भाई वो तो 4 घंटे सोते हैं जी, तो हमें भी इतना ही सोना चाहिए, लेकिन वो जो करते हैं वो फास्टिंग पूरी करते हैं, वो जो है जैसे इवन इफ यू रिमेम्बर जिस वक्त ओबामा से मिलने गए थे तो नवरात्र चल रहे जी, एंड ही वॉज ओनली ऑन नींबू पानी। यस, कैन बी सर्वाइव? नो, हम लोग जो है हमें खाना भी पूरा चाहिए, टाइम के बाद भी चाहिए, तो वी विल ओवर ईट बाय ऑल स्टेट ऑफ इमेजिनेशन, यानी बॉडी की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती जितनी हम उसे फीड कर रहे होते हैं। उसी तरीके से जो दूसरी चीज़ ये है कि ये एक एक्सपोजिशन नहीं है, ये एक कल्बिनेशन ऑफ अ लाइफ स्टाइल है। yes. तो उसके अंदर क्योंकि ही इज डूइंग योगा रेगुलरली, ही इज डूइंग प्राणायाम रेगुलरली, ही इज डूइंग मेडिटेशन रेगुलरली, अगर हम वो सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो 4 घंटे को अपना मापदंड नहीं बना सकते किसी भी तरीके से। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, इसको उठाते हैं फ्रेज को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 घंटे सोते हैं और फिर उसके बाद वो 4 घंटे सोते हैं, लेकिन उससे पहले ना तो वो कोई काम कर रहे होते हैं ऐसे, ना अच्छी डाइट ले रहे होते हैं, फोन में लगे होते हैं, यानी कि वो जो बाकी के 2 घंटे 4 घंटे आपको नींद लेनी थी आप फोन में लगे हैं और फिर उसके बाद अपनी तुलना मोदी जैसे लोगों से कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हमारी हेल्थ दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हाँ, क्योंकि हम बाकी सारी चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, हम सिर्फ उस चीज़ को कर रहे हैं जिस चीज़ में हमारा वो लग रहा है कि हाँ हम भी कम कर लेंगे,
लेकिन हम कम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम उस तरीके के लाइफस्टाइल को डेवलप ना करें। बच्चे जो हैं, टीनेजर जो हैं, उनका स्लीप पैटर्न जो है उसको लेके माँ बाप बड़े परेशान रहते हैं कि बच्चे टाइम पे नहीं सोते, बच्चे टाइम पे नहीं उठते। मुझे याद है जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो ज़्यादातर दोस्तों के मम्मी पापा ही कहते हैं रात भर पढ़ाई करनी है, राइट? और मैंने ट्राई किया एक बार रात भर पढ़ाई करना, अगले दिन एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ मेरा, क्योंकि रात भर जगना मेरे लिए नहीं था। ऐसी कई लोग होते हैं जिनको जो बोलते हैं आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, आई एम अ इवनिंग पर्सन। तो इसको समझाएं कि ये आप अपने आप को कैसे समझे दैट यू आर अ मॉर्निंग पर्सन और इवनिंग पर्सन और इन बिटवीन पर्सन। देखिए ऐसा है कि अगर कैटेगराइजेशन की जाए तो इधर यू नो देयर आर पीपल हु आर नेचुरल लार्क्स एंड देयर आर पीपल हु आर नेचुरल आउल्स। किसी की प्रोडक्टिविटी अर्ली मॉर्निंग में सबसे अच्छी होती है, किसी की प्रोडक्टिविटी रात को अच्छी होती है। ये चीज़ जब मैं कॉर्पोरेट लेक्चर्स लेता हूँ तब भी उनको समझाता हूँ कि जब आप शिफ्ट वर्किंग तय करते हैं, आइसोलेट दैट फोर्स विच इज़ मोर इफेक्टिवली वर्किंग ड्यूरिंग इवनिंग और नाइट। क्योंकि वो लोग जो है कुदरती तौर पे उनका जो है देयर नेचुरल आवर्स, सो ये जॉब आप उनको दीजिए, उसी में रोटेट करिए। क्योंकि जो आदमी नहीं कर सकता या जो आदमी इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव, he will only end up either messing up a job or maybe harming himself or somebody else. So it is important ke aap pehle ye identify kare ki iski work performance during the conventional sleep hours is better than the others, matlab ye us waqt zyada acha kaam kar pate hain, to us task force ko aap alag kar lijiye. Aur dusri cheez ye hoti hai ki kisi ke liye bhi jo hai the shifts should be divided into three areas, not into two areas. Morning to evening and evening to morning nahi honi chahiye. It should be say 8 hours ke teen intervals ke upar honi chahiye. Kyunki agar pure hum isko lete hain to uske andar jo hai recovering period bhi takriban jo hai aapka 3 din ka hota hai 72 ghante ka. Jaise ye nahi hota ki aap पिछले 2 महीने से या 1 महीने से नाइट शिफ्ट में अचानक कहें जी कल से आप दिन में आ जाना, पर ज्यादातर जगहों पे सर यही होता है, ऐसा नहीं होता? नहीं, होना नहीं चाहिए। बॉडी को रिकवरी के चांस देना पड़ता है, अगर नहीं देते हैं तो वो अंडर परफॉर्मेंस में जाएगा फिर वो। सर हमारे यहाँ पे कई सारे प्रोफेशन है, जैसे डॉक्टर का प्रोफेशन हो गया और पुलिस फोर्स का प्रोफेशन हो गया, बिल्कुल ठीक जगह, और बहुत बहुत और सारे प्रोफेशंस हैं। अभी जब ये कोलकाता का केस हुआ तो सबसे बड़ा जो ट्रिगर पॉइंट था लोगों के लिए वो ये भी था कि भाई वो लड़की 36 घंटे से काम कर रही थी, आप कैसे किसी से, इनह्यूमन है ये किसी से 36 घंटे लगातार काम करवाना, आप आराम करने का टाइम ही नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे प्रोफेशन में जब लोग हैं और हम बात कर रहे हैं कि लोग समझें आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे ज्यादा निकलेगी, मुझे लग रहा है इंडिया को यहाँ पहुंचने में एज अ एम्प्लॉयर अभी तो कई समय लग जाएगा। नहीं, समय इसलिए लगता है कि वी वांट टू पे लेस एंड गेट द वर्क डन मोर, ठीक है? तो वो एक जो है दिस इज वन ऑफ दोज ग्रे जोन्स जहाँ पे आप अपना काम जो है एम्प्लॉयर्स जो है वो शॉर्टकट में लेना चाहते हैं कि बंदे कम रखें ताकि सैलरीज कम जाए लेकिन प्रोडक्टिविटी उनकी हैम्पर ना हो। खैर वो एक हिस्सा है, मेडिकल फील्ड के अंदर कोई ये नई चीज़ नहीं है, 24 घंटे की ड्यूटी, 36 घंटे की ड्यूटी ये होती रही है, पहले भी होती थी। लेकिन उसके साथ साथ इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमें जो है इस चीज़ का ख्याल रखना है। इनफैक्ट देयर वाज अ स्टडी इन न्यूजीलैंड जिसके अंदर ये देखा गया कि रेजिडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है, जो लोग 36 घंटे के करीब काम कर रहे हैं, इट इज़ डिक्लाइनिंग। पर इस रिपोर्ट को फिर उस वक्त उन्होंने कहा इसको पब्लिश मत करो, सारे छुट्टी मांगने लगेंगे। दैट वाज अ लॉन्ग टाइम बैक। क्वालिटी ऑफ वर्क भी तो काफ़ी हैम्पर होता होगा ना सर? बिल्कुल होगा, क्योंकि जब आदमी फ्रेश नहीं है, जब आदमी एक्टिव नहीं है, जब आदमी वेल अपने मतलब जिसे कहते हैं ही इज़ नॉट हैविंग यू नो
वेलबींग में उसकी कमी आ रही है तो उसकी प्रोडक्टिविटी डैमेज होगी ही होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसकी कोऑर्डिनेशन भी कम होगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर भी कम होगी, बिकॉज यू विल बिकम ब्लैंक्ड आउट आफ्टर सम टाइम अगर इतना ज़्यादा काम होगा। और जहाँ तक ताल्लुक है बच्चों का, आपने जो जिक्र किया था, सबसे बड़ा दुश्मन हमारी स्क्रीन्स है। आज के जो है 3 साल के बच्चे को खाना खिलाने के लिए माँ बाप जो है मोबाइल फ़ोन दे देते हैं कि ये अपनी कार्टून देखेगा और खाना खिलाएंगे। द रेडिएशन दैट आर कमिंग आउट ऑफ दैट एमिशंस जो हैं उसको हम ब्लू लाइट कहते हैं। दिस ब्लू लाइट इज हैविंग द सेम फ्रिक्वेंसी एज दैट ऑफ सनलाइट। सो मेंटली यू फील दैट इट इज़ डे, अगर वो रात भी है तो हम इधर एज अ डॉक्टर और एज अ पुलिस, हम लोगों के टाइम का कोई वो नहीं है, बैरियर नहीं है कि कभी भी आ सकती है इमरजेंसी। बट बाकी लोगों के लिए जिन्होंने ऑफिस जाना है आना है, जिनके कोई इमरजेंसी काम नहीं है, तो उन लोगों को दे शुड शट डाउन देयर फोन बिफोर गोइंग टू बेड एंड द चार्जिंग शुड बी डन इन सम अदर रूम। इट शुड नॉट बी ऑन साइलेंट, इट शुड बी शट डाउन। रीजन इज अगले दिन सारे मैसेजेस मिल जाएंगे आपको, आपको ज़रूरत नहीं है उसे करने की। छोटा सा टिंकल भी जो है वो एक तरह से इट हैज बिकम एन एडिक्टिव थिंग कि देखूं क्या है। सो द प्रॉब्लम इज, और वो फिर लाइट की एमिशन वो होती है, फिर उसके बाद आपकी स्लीप डेंट होना शुरू हो जाती है। तो दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड, बिकॉज आप किसी ऐसे इमरजेंसी प्रोसीजर में आमतौर पर नहीं है, और इन एनी केस अगर आपको करना भी होगा तो लैंडलाइन के ऊपर ही आपके किसी जानकार का फोन आ जाएगा कि भाई इस वक्त आ जाओ, वी नीड टू टॉक अबाउट इट। सर जो मीडिया में काम करते हैं ना लोग, आपके पास इंफॉर्मेशन के फीड बजते रहते हैं, रात के 2 बजे भी बज रहे हैं, 11 बजे भी बज रहे हैं, और फिर एज अ एम्प्लॉय हमें लगता है कि अरे यार कुछ इम्पोर्टेंट ना आ गया हो, और इस थॉट प्रोसेस से, इस थॉट से जब सोने जा रहे हैं तो ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। अब जब मैं बता रही थी थोड़ी पहले कि जिस कलीग से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उसको यही सजेस्ट किया कि सोने से पहले फोन बंद कर दो ना, फोन क्यों देखना है। तो मैंने कहा कि नहीं मैम, फिर ये रहता है कि कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज आ गया तो किसी ने कुछ सवाल पूछ लिया और हम उस वक्त जवाब नहीं दे पाए, तो अब इसका जवाब मेरे पास नहीं था। क्या सजेस्ट करेंगे ऐसे लोगों को हम? नहीं देखिए, ऐसा है कि ये यार्डस्टिक खुद तय करनी है। एक होता है कि कंपल्सिव काइंड ऑफ एटीट्यूड के मुझे तो मीडिया में रहना है और मेरे को हर ब्रेकिंग न्यूज़ का हिस्सा बनना है। तो इसलिए द थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडी आल्सो। अगर आप उसे नहीं समझेंगे तो देन यू नो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ बी हार्मफुल। एक आध दिन इज ओके, लेकिन इफ इट इज़ अ रेगुलर फीचर तो यू आर ऑलवेज हैविंग अ ब्रोकन एंड फ्रेगमेंटेड स्लीप, टूटी और छितराई हुई नींद, तो उससे कभी भी आपको वो फ्रेशनेस का एहसास नहीं होगा, बल्कि जो आपका मेन वर्किंग पीरियड है दिन, वो डेंट होना शुरू हो जाएगा। ये एक प्रोसेस है, बॉडी की रिलैक्सेशन और बॉडी की रिक्वायरमेंट को जब तक हम नहीं समझेंगे, तो अगर हमारा सोर्स में रेडिएशन कम भी आ रही है तो भी हम जाग तो रही हैं, और जिस वक्त आपको अचानक फीड आती है या बात होती है तो आप वो चश्मा थोड़ी ढूंढने जाते हैं, आप नॉर्मली उठाते हैं फिर देख लेते हैं। सही कह रहे हैं आप। अच्छा सर, जो आजकल स्मार्ट वॉच वगैरह आती है वो आपका डीप स्लीप टाइम भी बताती है। देखिए स्मार्ट वॉचेस जो हैं इतनी स्मार्ट भी नहीं है। मैंने इनके ऊपर एक पूरी पायलट स्लीप स्टडी, क्या जो है हम जैसे स्लीप स्टडी करते हैं टू डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ स्लीप डिसऑर्डर अ पर्सन इज गोइंग थ्रू, तो मैंने उसी सेटअप के अंदर 7 साथी उनको स्मार्ट वॉच का भी डेटा मैंने निकाला, तो तकरीबन इट इज़ ओनली 50% से एक्यूरेट। अच्छा, तो जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है वही पोर्शन जो है आता है ठीक, बाकी के अंदर देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन एंड इट कैन नॉट बी टेकन एज अ टूल फॉर स्टडिंग द स्लीप। तो सर कौन सा ऐसा टूल है जो आपकी स्लीप को ट्रैक कर सकता है? वो तो हम प्रॉपर स्लीप स्टडी करते हैं जिसमें हम आपके ब्रेन की एक्टिविटी, आईज की, मसल्स की, हार्ट की, ब्रीदिंग, बॉडी पोजीशन, लेग मूवमेंट्स, हर चीज़ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं लाइव, उसके अंदर देखते हैं
या फिर जो है इवन एट होम वी कैन डू इट, बट उसके अंदर 10-1% का 15% का डेटा लॉस हो सकता है। बेस्ट वुड बी अ प्रॉपर स्लीप सेंटर जिसके अंदर हम करते हैं कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में एंड वी आर सीइंग लाइव ऑन द नेक्स्ट रूम जहां हमारा ऑब्जर्वेशन चेंबर है। सर, स्लीप डिप्रिवेशन के हम बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखते हैं कि इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, काम ठीक से नहीं कर पाता, भूख नहीं लगती ठीक से, मेंटल हेल्थ होती है कई बार। हाँ जी हाँ जी, ओवर ईट। सर ओवर ईटिंग समझाएं पहले, जो लोग ठीक से सोते नहीं है उनके लिए ओवर ईटिंग समझाएं। अगर आप नहीं सो रहे रात को टीवी लगा के बैठ गए, इट्स लाइक अ बिंज वॉचिंग, और बिंज वॉचिंग में थोड़ी देर बाद भूख तो लगेगी, लगती है सर, तो उठा के जो चिप्स खा रहे हैं बैठ के, ये खा रहे हैं, सो वी आर टेकिंग ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच शुड नॉट बी टेकन। ना हमारा स्टमक कभी भी पूरी तरह रेस्ट पे नहीं होता, so it adds on to obesity, it adds on to breakages of sleep, it adds on to the poor quality of sleep, it adds on to the acidity, it adds on to the you can say जैसे गले में खट्टा पानी चढ़ना, constipation और reflux वगैरह, and तो these things will start increasing। रिवर्स कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल कि जो जो परेशानियां आप नींद ना लेने की वजह से झेल रहे हैं, चाहे वो सेक्स से रिलेटेड परेशानी हो, चाहे वो खाने से रिलेटेड परेशानी हो, कॉन्स्टिपेशन हो, मूड स्विंग्स हो, क्या ये बहुत इजीली रिवर्सिबल है? देखिए, ऐसे खराब करने में हमेशा ज्यादा आसानी होती है, ठीक करने में एक रिजॉल्व चाहिए होता है कि हमारे को ठीक है, मेरे को ठीक होना है। फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू रियलाइज दैट दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। Second is, it is not a good way of a sleep hygiene. तो अगर जब आप उसको recognize करते हैं, recognize करने के बाद आपके पास वो resolve है कि नहीं मुझे ये ठीक करना, तो आप कर सकते हैं, लेकिन it will take time. क्योंकि ये overnight में नहीं develop होता, it develops over a period of time. हमारी बात की शुरुआत में आपने एक बात कही थी कि sleep disorder 80 types की होते हैं, तो सबसे सिंपल स्लीप डिसऑर्डर जो शायद हमें है और हमें पता भी नहीं है। देखिए, बहुत सारे ऐसे ही होते हैं बिकॉज हम उस जिंदगी को नॉर्मल मान के चलते हैं। जो सबसे कॉमन है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है डिफरेंट काइंड ऑफ इंसोम्निया, जिसे आप इंसोम्निया कहते हैं और मैं डिसोम्निया कहता हूँ, और उसके अंदर पेशेंट का एक ही ज्यादा व्यू होता है कि डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नींद नहीं आती। तो जब हम पहली बार क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसके अंदर हमारे चार मेजर सवाल होते हैं। पहली चीज़ ये, एक है कि मुझे नींद आती ही नहीं है, एक है मेरी आंखें भरी हुई हैं पर मैं सो नहीं पाता, एक है कि मुझे बहुत टॉस करने के बाद नींद आती है और जल्दी से टूट जाती है, एक आता है कि लेट सोता हूँ लेट उठता हूँ, उसे डिलेड स्लीप सिंड्रोम कहते हैं। तो आपको उनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा है? फिर दूसरी एक कंडीशन है जिसे हम स्लीप एपनिया कहते हैं, जिन लोगों को खर्राटे आते हैं उन लोगों की नींद में सांस रुकने की टेंडेंसी होती है। सांस रुकती है तो वो हर बार जो है नींद की फ्रेगमेंटेशन के साथ उठता है इंसान, मतलब दिमागी लेवल पे टूटता है, ये नहीं कि उठ के बैठेगा हमेशा, लेकिन इट इज़ अ फ्रेगमेंटेड स्लीप। उसके अलावा देर इज़ अ कंडीशन जो कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं देखते, एंड दैट इज़ रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। कुछ लोगों की टांगों की मसल जो है छटपटाती रहती हैं नींद के अंदर, हल्के से फ्लिकर होते रहते हैं और कॉन्स्टेंटली वो दिमागी लेवल पे नींद तोड़ते रहते हैं। देयर इज अ कंडीशन विच इज सपोज टू बी अ वेरी रेयर कंडीशन बट एक्चुअली इट इज नॉट एज रेयर, दैट इज कॉल्ड नार्कोलेप्सी। इट इज जनरली अ कंडीशन जो कि हमारी यू कैन से हम उसके बारे में सोचते इसलिए नहीं क्योंकि हम उसके बारे में हम जानते इसलिए नहीं है क्योंकि हम उसके बारे में सोच ही नहीं रहे होते। ऐसे लोगों में आमतौर के अंदर मसल वीकनेस सडनली आती है, एक आध दो तीन सेकंड की जैसे गिरने लगे थे, स्लीप पैरालिसिस के चांसेस होते हैं, दिन में स्लीप के अटैक्स आते हैं। अटैक्स मतलब कि 15 मिनट की नींद होगी तो उसके बाद यू विल फील वेरी फ्रेश एंड एक्टिव, बट यू विल नीड पीरियोडिक शॉट्स ऑफ दैट कैटेगरी। तो उसके अंदर जो है नार्कोलेप्सी है। देन देर आर कंडीशंस जिसे हम बोलते हैं पैरासोम्नियाज। पैरासोम्नियाज में आपकी स्लीप वॉकिंग, स्लीप टॉकिंग, स्लीप वायलेंस, ये चीज़ें आती हैं जिसके अंदर जो है जिन लोगों में सपनों की बहुत आहत होती है उन लोगों में इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि दूसरी स्लीप में नहीं होते मगर इनमें चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो क्योंकि जो है यू आर नेवर रेस्टेड फुल्ली, तो आपकी बॉडी जो है इट विल रिस्पॉन्ड इन अ मैनर विच इज स्लगिश, धीरे से, क्यों रोज बैकलॉग इंक्रीज कर रहा है. तो वी हैव टू प्रिवेंट दैट ईदर बाय ट्रीटिंग और बाय कंट्रोलिंग इट विद लाइफस्टाइल इफ इट इज पॉसिबल. अगर हमारे को पता है कि भाई ये चीज़ हो रही है, क्योंकि नार्कोलेप्सी की ट्रीटमेंट हम जनरली जो है वी गिव इट ऑन अ लॉन्गर बेसिस, बिकॉज ये एक बुनियादी तौर पे स्लीप डिफेक्ट है, ये जनरली जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है. ये ज़रूरी नहीं कि हर फैमिली मेम्बर को हो, इसमें स्किप्ड जनरेशंस भी आती हैं, कई अच्छा. बार फैमिलीज के अंदर नहीं भी दिख रहा होता, लेकिन जनरली इट इज़ ट्रांसमिटेड. रेयरिटीज में जाने का फ़ायदा अमूमन नहीं होता, जब डिस्क्राइबेबिलिटी होती है तब हम जब एक पैटर्न या फिर एक क्लासिफिकेशन बनाते हैं तो उसके अंदर जो है एक ही चीज़ के मल्टीपल इनपुट्स और आउटपुट्स अलग अलग हो सकते हैं. तो इसलिए वो ज़रूरी नहीं कि रेयर क्या है, रेयर ही होता है, हमें वो डील करना है जो कि कॉमन है, और वो हम आराम से डायग्नोज कर सकते हैं स्लीप स्टडी से कि इनको ये चल लग रहा है, ये इसकी ट्रीटमेंट है. अगर स्लीप एपनिया है तो मशीन सीपैप से यूज़ करेंगे, अगर इनको जो है इंसोम्निया है तो किस तरह का इंसोम्निया है, आने का रुकने का, कि जिसे कहते हैं स्लीप ऑनसेट का इंसोम्निया या स्लीप मेंटेनेंस का इंसोम्निया, कि आ जाती है मगर टूट जाती है. हाँ, तो इसको कौन क्या कहते हैं सर, इसको एक्सप्लेन कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में बोलते हैं. तो इसको हम कहते हैं इंसोम्निया ऑफ स्लीप ऑनसेट एंड मेंटेनेंस. एक होता है ग्रुप जिसको आने में देर होती है, बहुत टाइम लगता है आने में, और एक होता है जिसके अंदर जो है चाहे वो सपने की वजह से हो चाहे वो किसी वजह से हो, इट्स अ ब्रोकन स्लीप, जो छोटी सी आहट से भी नहीं टूटती है कई लोगों की, तो उसे बोलते हैं मेंटेनेंस डिसऑर्डर, स्लीप ऑनसेट एंड मेंटेनेंस. और ये अमूमन कई बार जो है एक ही बंदे में दोनों होते हैं. तो वंस यू नो कि क्या डील कर रहे हैं, यू हैव द मेडिकेशन टू ट्रीट दैट. क्योंकि ये सारी बातें, ये सारे स्लीप डिसऑर्डर आप एक भरे कमरे में 10-15 लोगों के सामने जब डिस्कशन करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक व्यक्ति आज के दौर में ऐसा है जिसको किसी ना किसी तरीके का स्लीप डिसऑर्डर नहीं होगा. हमें पता नहीं है उसके बारे में, मे बी डिफरेंट कहानी हो सकती है. जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है स्लीप डिसऑर्डर्स का वो है आर्टिफिशियल लाइट, जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी है लेकिन नींद के लिए सबसे बड़ा बेन भी है. उसका रीज़न ये है कि पहले हमारा दिन और हमारी रात वेरी वेल डिफाइंड थे, कि भाई दिन हो गया 5 बजे उठिए, अपना जो है आप मतलब अगर आप पूजा करते हैं तो पूजा कीजिए, आप नहाते हैं, आप सैर के लिए जाते हैं या आप एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, जाइए. लेकिन जो है ये बड़ी लाइन हमारी जो है बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि अब हमारे पास 24 घंटे का दिन है, लाइट तो कभी भी चल सकती है. तो उस वजह से जो है हमारी ओवरऑल एज अ सोसाइटी वी आर स्लीपिंग एटलीस्ट 20% लेस देन आवर प्रीडिसेसर्स वर डूइंग अराउंड 100 ईयर्स अगो. सो वी आर अ स्लीप डिप्राइव्ड सोसाइटी, दैट इज़ वाई हम लोग हमेशा एज के ऊपर चल रहे होते हैं, इसीलिए हम जो है इरिटेबल भी होते हैं, इसीलिए हमारा रोड रेज भी होता है, इसीलिए हमारी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है या हमारी इम्यूनिटी है वो भी डेंट होती है. इसीलिए जो है अब स्लीप एपनिया इज द सिंगल लार्जेस्ट कॉज फॉर एसेंशियल हाइपरटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर का. इट इज़ अ वेरी बिग कॉज फॉर स्ट्रोक्स, इट्स अ वेरी बिग कॉज फॉर कार्डियक अरेस्ट ड्यूरिंग स्लीप, इट इज़ अ वेरी बिग कॉज फॉर से एंजाइना प्रेसिपिटेशन इन द नाइट एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कार्डिक फेलियर. तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी जमा हो रही हैं, और क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया जिसके अंदर हम कम सो रहे हैं या ढंग से नहीं सो रहे हैं, तो वी विल ऑलवेज बी मोर से ससेप्टेबल टू दिस. सर, बड़ों को तो चलो काम का टेंशन है या लाइफ के कुछ से रिलेटेड से ज़्यादा लाइफस्टाइल की, लाइफस्टाइल जी मैं उसी पे आ रही थी, लेकिन छोटे बच्चे जिन जिन पेरेंट्स से जब जब मैं बात करती हूँ तो बहुत ही नॉर्मल सबसे पहली बात निकल कर आती है, बच्चे सोते ही नहीं है, 11-12 बजे तक बैठे रहते हैं. बच्चे वही करते हैं जो उनके बड़े कर रहे हैं.
अगर आप खुद रात को 2 बजे आएंगे तो बच्चों को भी यही होगा कि ये तो नॉर्मल टाइम यही है। दूसरी चीज़ ये आर्टिफिशियल लाइट जल रही है, नहीं तो जो लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं मतलब बच्चों के रिदम के लिए, वो लोग टाइमली जो है सोते हैं, टाइमली उठते हैं, और यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। ये नहीं कि आप रात को 2:30 बजे आ रहे हैं, बच्चे आपको अगले दिन कह ही देंगे आप भी तो आते हो लेट, क्या करोगे। तो बच्चे जो है उनकी एक्सपोजर टू द लाइट इज फार मोर, उनकी एक्सपोजर टू द स्क्रीन्स, हमें तो स्क्रीन में पहुंचने के अंदर जो है 40 साल लग गए थे, वो पैदा ही उस स्क्रीन के साथ होते हैं। सो इसलिए जो है ये एक तरह से यू कैन से कि जो हमारी सो कॉल्ड सिविलाइजेशन है उसका ये कि बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, क्योंकि हमने उनको, और हम आसान तरीका चाहते हैं कि बच्चा अपने में मस्त हो जाए, मैं अपना काम करता रहूं, तो वी गिव देम दीज काइंड ऑफ टॉयज वेयर दे आर इंटरैक्टिवली प्लेइंग और इंटरैक्टिवली लुकिंग एट द पोएम्स और मे बी एनीथिंग एल्स देयर आफ्टर। सो द थिंग इज के वी आर नॉट गिविंग देम अ कंड्यूसिव एटमोसफेयर, क्योंकि हम खुद लेट आ रहे हैं, बत्तियां जल रही हैं तो उसको नींद क्यों आएगी, नहीं आएगी ना उस तरीके से। अगर आप खुद नहीं सो रहे, एटलीस्ट मेक श्योर कि आपका बच्चा जो है 9 बजे तक, 9:30, 10 बजे तक सो जाए, एंड उसके लिए यू विल हैव टू डू दोज पेंस, बट अगर अवेलेबल ही नहीं हो तो क्या करोगे, नोबडी इज गोइंग टू डू दैट फॉर यू, वो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। और कौन कौन से स्लीप हाइजीन है जो शायद हमको पता भी नहीं है? बहुत आसान चीज है ये। पहली चीज ये कि बेड पे तभी जाइए जब नींद आने लगे। अच्छा, बच्चों को भी तभी जबरदस्ती बच्चों को बेड पे ना लेकर जाए सोने के लिए? तो जो है उनको तो आदत, साइक्लिकल आदत डालनी है। अच्छा, लेकिन मैं एडल्ट्स की बात कर रहा हूँ कि बेड पे तभी जाइए जब नींद आने लगे, क्योंकि टॉसिंग एंड टर्निंग लगातार चलती रहेगी तो एक नेगेटिव फीडबैक साइकिल होता है, जिसकी वजह से उसकी टेंशन से ही नींद नहीं आती। सेकंड इज के कितने बजे भी सोइए, उठने का टाइम कॉमन रखिए, क्यों नहीं तो आपकी बॉडी क्लॉक आगे बढ़ती चली जाएगी और आपको ओरिजिनल टाइम पे नींद आएगी ही नहीं धीरे धीरे। तीसरी, घड़ी जो है किसी भी तरह की हो वो अपने बेडरूम से हटा दीजिए। अच्छा। क्योंकि बाकी सारे लोग अगर सो गए हैं तो आप हर 5 मिनट के बाद घड़ी देख रहे होंगे कि अभी भी नहीं आई, अभी भी नहीं आई, आप टेंशन में नहीं सो गए कि नींद नहीं आ रही, योर माइंड इज गेटिंग प्रोग्राम टुवर्ड्स दैट। चौथी चीज ये है इसके अंदर के जो है आप कभी भी जो है शाम को 6 बजे के बाद चाय या कॉफी का सेवन ना करें, क्योंकि दे आर स्टिमुलेंट्स, स्मोकिंग, इन चीजों को मत करें क्योंकि ये आपकी नींद खराब करेंगे। फिर इम्पॉर्टेंस है, लोग सोचते हैं कि थकी हुई बॉडी से नींद आती है। हाँ जी, जो गलत है, बॉडी हमेशा रिलैक्स्ड होगी तभी नींद आएगी। तो जो लोग इवनिंग में जिम को हिट करते हैं वो लोग जो है दे आर नॉट वेरी गुड स्लीपर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसलिए जो है जो भी आपको एक्सरसाइज करनी है आप मॉर्निंग आवर्स में उसको करिए रादर देन यू नो लेटर इन द इवनिंग। सो अगर आप टायर्ड बॉडी लेके जाएंगे तो उस दिन तो आप जो जिस दिन बहुत चल के आते हैं उस दिन आप टांगों के बीच में तकिए फंसा फंसा के सोते हैं, क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी रेस्टेड नहीं है। उसके अलावा जो है आपका जो मोबाइल फ़ोन है या आपके आईपैड्स हैं, स्विच देम ऑफ वाइल गोइंग टू बेड, जब आप बेड टाइम पे जाएं उसे बंद। उसके अलावा जो है आपका टेलीविजन शुड स्टॉप आफ्टर से सोने के स्टिपुलेटेड टाइम से 45 मिनट पहले। रीज़न क्या होता है कि कई बार जिन लोगों को ये ससेप्टेबिलिटी होती है उन लोगों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है वो ये आती है कि जैसे आपको नींद हल्की हल्की सी आनी शुरू हुई लेकिन कोई इंटरेस्टिंग प्रोग्राम चल रहा है तो आप कहते हैं बस 10 मिनट में सो जाऊंगा, इतने में वो स्लीप साइकिल चली जाती है और अगली आने में फिर 1.5 घंटा लगता है, फिर आदमी परेशान हो रहा होता है कि अभी तो आ रही थी अब फिर नहीं आ रही। तो यू हैव टू अडहेयर, ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए जिनके लिए स्लीप की प्रॉब्लम चल रही है। हम आते जाते को पकड़ के नहीं कहते कि भैया तुम ये मत करो वो मत करो, इफ़ योर बॉडी इज सेइंग एंड इफ यू आर सेइंग कि यू आर नॉट स्लीपिंग वेल देन यू मस्ट अडहेयर टू दीज थिंग्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ नाइस टू हैव अ ल्यूक वार्म शावर बिफोर बेड।
दैट विल हेल्प, इट लूजन्स द मसल्स, वो मांसपेशियों को ढीला करता है और सोने में मदद करता है। शुगर रश एक चीज होती है, बच्चों को सोने से पहले क्या खिलाएं और क्या ना खिलाएं? तो ऐसा ये शुगर रश जो है सिर्फ बच्चों में नहीं होता, बच्चों में जो है एनहेंस्ड इसकी वो नज़र आती है, ये सबके साथ होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो डिनर होना चाहिए वो सबसे हल्का मील होना चाहिए। वो कहते हैं ना, यू शुड हैव अ ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ नॉर्मल पर्सन एंड डिनर लाइक अ पॉपर। यानी आप बिल्कुल फकीराना अंदाज में डिनर करें, ताकि एक तो इट इज़ हैविंग लो काइंड ऑफ अ से वेट ऑन योर बॉडी, जब आप सो रहे हो तो एसिडिटी भी कम होगी, रिफ्लक्स भी कम होगा, क्वालिटी ऑफ स्लीप भी बेटर होगी। लेकिन ये सब तब पॉसिबल है अगर आप नॉर्म्स जो है फॉलो कर रहे हैं सोने के टाइम से। अगर आप जागेंगे तो आप कुछ ना कुछ खाएंगे। कुछ लोग रात के समय वर्कआउट करते हैं, रात के समय एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि एक्सरसाइज शुड बी रिजर्व फॉर द मॉर्निंग। कितने तरह की थेरेपीज होती हैं और क्या क्या कर सकते हैं इसमें? ऐसे सबसे पहले तो ये, जैसे इंसोम्निया मान के चलिए, इंसोम्निया के अंदर सबसे पहले हम जब हम डायग्नोसिस बनाते हैं स्लीप स्टडी करके, तो हमें ये एक्चुअल कारण जो है तकरीबन हर बात में पता लग जाता है कि इनकी नींद की एक्चुअल क्वालिटी क्या है। क्योंकि कई बार इतनी डिस्पैरिटी होती है, पेशेंट कहता है जी मैं तो पिछले 15 दिन से सोया ही नहीं हूँ, और जब जो है स्टडी होती है तो उस दिन उनकी 85% स्लीप एफिशिएंसी होती है। सो ये नहीं कि वो झूठ बोल रहे हैं, ये कि वो इतनी पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप है कि उन्हें लगता है वो सोए नहीं। तो पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि इनको एग्जैक्टली है क्या। दवाई भी उसी हिसाब से होगी, देर इज नो पेनेसिया, देर इज नो सिंगल मेडिसिन विच विल डू ऑल द वर्क। अगर आपके सपने ज़्यादा हैं तो सपने वाली नींद कट करके डीप स्लीप में भेजनी है। अगर आपको नींद आ ही नहीं रही है तो उसके अलग है ट्रीटमेंट। अगर आपकी स्लीप की मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग है। आपकी टांगों में छटपटाहट है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग है। आपको स्नोरिंग हो रही है और स्लीप एपनिया हो रहा है, उसकी बिल्कुल अलग है। तो पहले सही कारण, फॉर थिंग्स टू बी इफेक्टिव यू शुड नो द क्लियर डायग्नोसिस, और उसी के हिसाब से करना है। देर इज़ नो पैनेसिया के सबको एक दवाई बांटते जाओ या सबको दवाइयां हाथ में पकड़ा दो, कई बार काउंटर प्रोडक्टिव होती है। तो इट्स वेरी एसेंशियल दैट दे शुड गो टू अ स्लीप फिजिशियन, फाइंड आउट कि भाई क्या है मुझे। एंड हमारी भी ड्यूटी बनती है कि पेशेंट को एजुकेट करें कि आपके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। वंस दैट इज देयर, उसके बाद उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ती है और वी कैन गिव देम अ प्रॉपर काइंड ऑफ अ वर्कआउट। रिलैक्सेशन थेरेपी पर से जो है बहुत सारी तरह की चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें अगेन ये देखना होता है कि इनका प्री डिस्पोजिशन क्या है, कि भाई अगर जो है आप किसी भी तरह से टेंशन में चल रहे हैं, चाहे वर्क की वजह से चाहे फैमिली की वजह से, अगर उसका प्रेसिपिटेटिंग एजेंट वहाँ पे है तो आपको जो है नॉर्मल ट्रैंक्विलाइजर वगैरह दे के उनको थोड़ा सा शांत करना होता है। प्लस अगर नींद नहीं आ रही और काफ़ी अरसे से नहीं आ रही तो स्लीप एनहेंसिंग मेडिसिन भी देते हैं, लेकिन वन हैज़ टू चूज़। और कई बार जो होता है कि डोजेज बहुत छोटी चाहिए होती है, बिकॉज वी एटलीस्ट आई यूज़ देम एज अ स्लीप मॉडिफाइंग एजेंट, नॉट एज पुशिंग इन टू स्लीप। क्योंकि हमारा मकसद किसी तरीके से नींद कराना नहीं है, हमारा मकसद अगले दिन उनको फ्रेश उठाना भी है। राइट, क्योंकि कई लोग ये बात कहते हैं कि हम सो तो जाते हैं टाइम पर, हम तो 9 बजे सो जाते हैं, लेकिन फिर भी जब सुबह उठते हैं तो फ्रेश नहीं फील करते। द क्वालिटी ऑफ स्लीप इज बैड, जैसे मैंने बताया स्लीप आर्किटेक्चर वगैरह अगर ठीक नहीं है तो वो दे विल नॉट फील रेस्टेड। डिनर अगर लाइट हो तो बेटर, लेकिन वो तभी पॉसिबल है अगर आप टाइम पे सोने। अगर आप जागेंगे तो फिर आप कुछ ना कुछ खाएंगे। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये होती है कि लाइफस्टाइल के चेंजेस मैंने ऑलमोस्ट सारे 8 या 9 थे जो सब मैंने इन्यूमरेट ऑलरेडी किए हुए हैं। तो एक तो वो चीज़ करनी है, लेकिन सिर्फ जो है लाइफस्टाइल से प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ये प्रॉब्लम कभी कभी जो है ऑर्गेनिक, और कभी कभी ये प्रॉब्लम होती है, इसीलिए इनको स्लीप डिसऑर्डर्स कहते हैं।
तो वो डिसऑर्डर का पहले पता होना चाहिए कि इनको असल में क्या हो रहा है, और वो स्टडी से ही पता लगता है। तो वो जब हमें पता है फिर हम टारगेटेड अप्रोच देते, कहते हैं ना एक होता है क्लस्टर बॉम्बिंग कि किसी तरह बम गिरा दो कोई तो मरेगा, लेकिन एक होता है लेजर बॉम्बिंग कि हमने बस इतने ही एरिया को हिट करना है। तो वंस यू नो द डायग्नोसिस यू कैन डू लेजर बॉम्बिंग। तो अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल के लिए अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है, और अगर नींद में ज़रा भी कोई ख़राबी आप फील कर रहे हैं, अगर लॉन्ग टर्म देखिए ओकेशनल वंस और ट्वाइस कभी कभार ये सब सबके साथ होता है, ये कोई नई चीज़ नहीं होती। मतलब कभी कभी अचानक किसी वर्क टेंशन से नींद नहीं आई, कभी किसी के बिरीवमेंट हो गई तो 4-5 दिन नींद नहीं आई, वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन अगर एक परसिस्टेंट एरिया में ये चले जा रहा है तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम एंड देन वी शुड एड्रेस दिस प्रॉब्लम। और वो लोग जो रेगुलरली 4 घंटे या 4.5 घंटे या 5 घंटे की नींद ले रहे हैं, भले उनकी उम्र जो है वो कम है, वो फिर भी नींद सिर्फ 4 से 5 घंटे की ही ले रहे हैं, तो उन लोगों को फिर वो कैसे ठीक करें? मतलब वो तो इस बात को कहते हैं कि हमें तो आती ही इतनी नींद है। टाइम मैनेजमेंट आपको जो है, अगर आप रेस्टेड फील कर रहे हो उस 5 घंटे में, मुझे कोई एतराज नहीं। तो ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, लेकिन एक औसतन तरीके के ऊपर 4 से 6 घंटे 6 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। अगर आप फ्रेश फील कर रहे हैं, चाहे आपकी कोई भी एज हो, चाहे आप 22 साल के हो, चाहे आप 60 साल के हो, देखिए वही कह रहा हूँ ना कि इट विल डिपेंड। एक होता है कि आप उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट करेगी ही करेगी। सो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड आवर बॉडी कि अगर क्या हम उतने ही एक्टिव हैं जितने आज से 3 साल पहले थे, या अब लगता है कि थक जाता हूँ। तो वी हैव टू यू नो रीविजिट आवर मेथडोलॉजी कि हम कैसे सो रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, काफ़ी चीज़ें नींद के बारे में पता चली कि नींद इम्पॉर्टेंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो जितना ज़रूरी शायद सांस लेना है, जितना ज़रूरी खाना अच्छा खाना है, उतना ही ज़रूरी अच्छी नींद भी है। 8 घंटे ऐसे ही नींद दिए कुदरत ने हमें सोने के लिए, कुछ तो वजह है, कुछ तो वजह है। बाकी अपनी बॉडी को लेकर आप खुद थोड़े से अगर जागरूक हैं तो ज्यादा बेटर है। दूसरे की कॉपी का लिखा आंसर अपने लाइफ में कॉपी पेस्ट ना करें, बिना सोचे समझे अपने आप को समझे, अपनी बॉडी को समझे, अपने लाइफस्टाइल को समझे, और फिर उसके बाद डिसाइड करें कि आपकी आपके लिए कितनी नींद बराबर है और सफिशियंट है। फिर वो हो सकता है कि आप 6 घंटे लेते हो या 8 घंटे लेते हो या 10 घंटे लेते हो, डिपेंड। 10 नहीं, अगर 9 घंटे से ऊपर सो रहे हैं तो यू आर ऑलरेडी अ सिक पर्सन। अच्छा, ऐसा भी है? द थिंग इज वो इज अ पैसिव इंडिकेटर कि योर स्लीप वाज नॉट रिफ्रेशिंग, नंबर एक। के पहले क्या आया, पहले नींद की प्रॉब्लम आई या पहले डिप्रेशन? अगर पहले नींद की प्रॉब्लम आई है तो रिएक्टिव डिप्रेशन है, क्योंकि आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे। और कई लोग जो है कुदरती तौर पे अगर डिप्रेसिव फेज में हैं तो उनकी नींद की प्रॉब्लम अलग होगी, तो इसलिए उनको फिर जो है वी विल ट्रीट विद अ डिफरेंट मेथडोलॉजी एंड वी माइट टेक द हेल्प ऑफ साइकियाट्रिस्ट्स आल्सो। मतलब देर इज नो हार्म, हमारा गोल पेशेंट ठीक करना है, हमारा गोल ये जिद करना नहीं कि मैं ठीक। तो मतलब नींद को भी आप अपने बच्चे की तरह ट्रीट करें, बिना अनअटेंडेड ना छोड़े, पता करना जरूरी है कि कितना सोना है, कब सोना है और कैसा आपको नींद आ रही है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, थैंक यू सो मच।